न्यूक्लियर फिजिक्स का आज का जो टॉपिक है वो है बेनब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ को अंडरस्टैंड किया था, जो कि बेनब्रिज ने 1933 के अंदर डेवलप किया था। इसके बाद 1936 के अंदर केटी बेनब्रिज एंड ईडी जॉर्डन ने डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डेवलप किया। इसकी क्या एडवांटेज है, इसको क्यों डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोला गया और हमें इससे स्टडी क्या करना है, इन सारी चीजों को एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले वाले स्पेक्ट्रोग्राफ में अंडरस्टैंड किया था, हमने सबसे पहले एक पॉजिटिव आयन बीम को जनरेट किया था और वो पॉजिटिव आयन बीम को हमने एक सोर्स से जनरेट किया था। उस सोर्स में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड थे, उनको पहले मैं एक बार अंडरस्टैंड करा दूं। ये हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को जनरेट किया था। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, वो बीटा पार्टिकल भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं एक्सरे का। तो एक्सरे को कैसे जनरेट किया जाता है हमें पता है, क्योंकि और एक्सरे एक हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है। जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है उसका मैन्युफैक्चरिंग मैं बता रहा हूं, जिससे हम हाई पॉजिटिव आयन बीम को जनरेट करेंगे। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के वन एंड के ऊपर एक फिलामेंट लगा होता है और उस फिलामेंट को कनेक्ट किया होता है बैटरी से, मींस एक पोटेंशियल डिफरेंस से हमें कनेक्ट किया होता है। और जैसे ही हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो ये फिलामेंट स्विच ऑन होता है और इस फिलामेंट के आगे कैथोड लगा होता है और ये फिलामेंट इस कैथोड को जब हीट अप करता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को हमें आगे एक्सेलरेट करना था, तो इस कैथोड को हमने एक हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज से अप्लाई कर दिया, वेरी हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये इसका इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वो किससे किया, एक हैवी मेटल, एक मेटल से कनेक्ट किया जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो। तो हमने क्या करवाना है, जो ये हमारे पास, ये हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट हम इस वोल्टेज से जब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी को गेन कर जाएंगे कि जब ये इस काइनेटिक एनर्जी से इस मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद एक वेरी हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, मैं पार्टिकल का नाम ले रहा हूं, एक वेरी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स इमिट आउट करेंगे। और यहां पर एक विंडो लगी होती है, उस विंडो के थ्रू ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इमिट आउट कर जाते हैं। जिस भी साइड से हमें इमिट आउट करना है उस साइड से एक विंडो लगा दी जाती है। अब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के आगे एक आयनाइजेशन चैम्बर होता है। इस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इनर्ट गैस भरी होती है, क्योंकि इनर्ट गैस का आयनाइजेशन कैन नॉट बी पॉसिबल बट पॉसिबल एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो हमने इसके अंदर एक इनर्ट गैस भरी होती है, जब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इस आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं तो ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के एटम्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर एनर्जी इन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी सफिशियंट है, जो इसके एटम है, मैं एटम की बात कर रहा हूं, इस आयनाइजेशन चैम्बर के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या वो एटम्स हैं, अगर ये वाली एनर्जी सफिशियंट है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये वाला एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अदरवाइज क्या कंडीशन आएगी, जो लोअर स्टेट का हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में। दो ही कंडीशंस आएंगी,
या तो इस एनर्जी के चार्ज पार्टिकल की जो वेरी हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल आ रहा है जब वो इसके एटम्स के ऊपर इंसिडेंट करेगा तो टू पॉसिबिलिटीज आर टू बी एग्जिस्ट। अगर इनकी एनर्जी सफिशियंट है इस एटम को या इसके मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए तो क्या होता है, हमेशा आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मेरे को पता है आयनाइजेशन की कंडीशंस क्या होती है। आयनाइजेशन ये कहता है जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एटम में नेगेटिव आयन कम हो गए और पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। पहले क्योंकि एटम न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब इसमें प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इस एटम का कोई जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका। तो इस केस में क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन होल का। तो इस केस के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को तो हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बाय कलेक्टर के थ्रू, यहां से आगे नहीं जाने देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि फर्दर आयनाइजेशन हो सकता है। लेकिन जो ये पॉजिटिव आयन जनरेट हुए हैं, इन पॉजिटिव आयन को अब हमें क्या करना था, आगे एक्सेलरेट करना था। तो हमने इन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेलरेट किया आगे। कैसे किया, इलेक्ट्रोड को हमने क्या प्रोवाइड किया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वोल्टेज दी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब इंक्रीजिंग क्रम में पोटेंशियल को दिया और ये वेरी हाई पोटेंशियल दिया किसको, इलेक्ट्रोड्स को। तो ऐसे इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी तो ये आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जैसे यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे अब मेरे को क्या देना पड़ेगा, मोर नेगेटिव देना पड़ेगा, मोर इस इलेक्ट्रोड से ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि ये वाला इसके कंपैरिजन, इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में क्या, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव एक्ट करे, ये नेगेटिव एक्ट करे, तो ये इलेक्ट्रोस्टेट एक्सेलरेट करेगा। आगे अगर और इलेक्ट्रोड आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में और नेगेटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी ताकि ये इसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसे जनरेट चलती चलेगी। तो ये क्या, हमने इन पॉजिटिव आयन को जो कि इस आयनाइजेशन चैम्बर से जनरेट हुए थे उनको क्या कर लिया, एक्सेलरेट कर लिया आगे। तो हमें ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर होगा, इस आयन सोर्स के अंदर होगा। इसका मतलब हमने आयन सोर्स को जनरेट किया और उनको क्या कर लिया, एक्सेलरेट कर लिया। अब एक्सेलरेट करने के बाद हमने इन पॉजिटिव आयन को क्या बनाया, फाइन बनाया विद द हेल्प ऑफ स्लिट S1 S2 से। मींस हमने इन पॉजिटिव आयन को कोलिमेट कर दिया, कोलिमेटेड फाइन बीम मिल गई हमें। इसका मतलब यहां से जब इन स्लिट S1 और S2 में से जब ये पॉजिटिव आयन बीम पास करेगी तो हमें कैसे बीम मिलेगी, एक एक्सेलरेटेड एंड कोलिमेटेड फाइन बीम ऑफ ए पॉजिटिव आयन हमें मिलेगी। और वो फाइन पॉजिटिव आयन बीम किसके अंदर एंटर करेगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसी है, वो रेडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इसका मतलब हमने कैसे इस रेडियस के अंदर अप्लाई कर रखी है, ऐसे अप्लाई कर रखी है। और वो कैसे अप्लाई कर रखी है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड ये लगा रहा, इधर लगा रखा है और एक ऐसा इलेक्ट्रोड इधर लगा रखा है। इस इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिव अप्लाई कर रखा है पोटेंशियल, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है। इसका मतलब हमने इस पॉजिटिव आयन बीम को किसके अंदर एंटर किया, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर किया। और इस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने एंटर किया है तो ये मेरे पास एक वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से मैंने इसके अंदर क्या, लो प्रेशर मेंटेन कर दिया। अगर कोई हवा अगर हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से एक लो प्रेशर को मेंटेन कर दिया। अब जब वो पॉजिटिव आयन बीम इस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में से एंटर करेगी तो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, बेंट कर देगी। मींस
दिस द पॉजिटिव आयन, ये क्या पॉजिटिव आयन बीम क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी बाय ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है इस इलेक्ट्रोड को, ये वाला इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को जो ये मैंने अप्लाई कर रखी है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, कितने ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है मैंने, 1200, ये मैं फिक्स बता रहा हूं, 1200 वोल्ट पर मीटर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब मैंने एक सेंटीमीटर के अंदर, इसके एक सेंटीमीटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 1200 वोल्ट है। ये कंसेप्ट है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, और वो मैंने जो अप्लाई की है वो कितने एंगल के ऊपर अप्लाई की है, रेडियल। इसका मतलब मैंने इस रेडियल की बात कर रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैंने रेडियस भी फिक्स कर दिया है, और वो कितना रेडियस है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वैल्यू भी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। और ये जो इलेक्ट्रोड्स की जो रेडियल मैंने ली, इन इलेक्ट्रोड की जो लेंथ ली है वो मेरा कितने एंगल के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की है वो कितने एंगल के थ्रू, एंगल पाई बाई टू। ये पाई बाई टू क्या है, रेडियन है, और रेडियंस को जब मैं किसमें कन्वर्ट करता हूं, डिग्री के अंदर, तो मेरे को पता है रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन को, जैसे यहां पे अगर पाई बाई टू डिग्री, ये रेडियन है मेरे पास, अगर रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, पाई बाई अंडर रूट टू मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और ये कितनी वैल्यू आएगी, 127 डिग्री ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन बीम बेंट होगी बाय दिस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने मेंटेन्ड कर रखी है, कितनी मेंटेन्ड कर रखी है, एक सेंटीमीटर के अंदर 1200 वोल्ट मेंटेन्ड कर रखी है, और वो इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से मेंटेन्ड कर रखी है, और थ्रू एन एंगल 127 डिग्री के ऊपर मेंटेन्ड कर रखी है। इसका मतलब ये वाली जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, कौन सी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने माना इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ई है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये रेडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस पॉजिटिव आयन बीम के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी, क्यू इंटू ई लगाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो फोर्स है इस पॉजिटिव आयन बीम को क्या प्रोवाइड करेगा, मींस दैट फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मीन दिस फोर्स किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अगर ये इसको किस मोशन में ले रहा है, सर्कुलर में ले रहा है तो। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है मेरे को पता है, इस मोशन को ये वाला फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मींस हमने ये कहा है जब ये पॉजिटिव आयन बीम इस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेगा तो वो कैसे बेंट होता चलेगा, ऐसे सर्कल में बेंट होता चलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो ये फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स इस पॉजिटिव आयन बीम के ऊपर लग रहा है, अगर ये फोर्स इस पॉजिटिव आयन बीम के ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, एक सर्कुलर मोशन पाथ प्रोवाइड कर देगा, किसको, इसके मोशन को प्रोवाइड कर देगा, अगर ये अगर सर्कुलर मोशन के अंदर जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर अगर ये पॉजिटिव आयन बीम जाएगी तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर तभी रिवोल्व कर सकता है, ये वाला फोर्स मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो ये कंडीशंस यहां से क्या आ गई, तो हमने जब देखा क्यू ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कंडीशन आ गई, तो यहां से हमने इनको स्टडी किया,
तो ये आर को मैंने इधर लिया, क्यू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहां से ये कंडीशन निकल के आई, यहां पे क्यू चार्ज ऑफ द पॉजिटिव आयन ये फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, ई मैंने कॉन्स्टेंट अप्लाई की है, आर 25 सेंटीमीटर रेडियस ये मैं पहले ही सेट कर चुका हूं, इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब एम वी स्क्वेयर क्या चीज हो गई, एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब यहां से मैं बोलूं हाफ एम वी स्क्वेयर ये भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये हाफ एम वी स्क्वेयर क्या चीज बन गई, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस चीज का काम कर रही है, ये एक एनर्जी फिल्टर का काम कर रही है, और एनर्जी फिल्टर का काम कैसे करेगी, ये उन्हीं पॉजिटिव आयन को पास करेगी जिनकी ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास निकल के आई। मींस ये उन्हें काइनेटिक उन्हें पॉजिटिव आयन को इस स्लिट में से पास करेगी जो मैंने स्टेट लगा रखी है, ऐसे बिल्कुल स्टेट लगा रखी, वो रेड स्लिट को मैंने रेडियल में नहीं दिया है। इसका मतलब ओनली वही पॉजिटिव आयन इस स्लिट में से पास करेंगे हुज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस, बाकी के आयन क्या कर जाएंगे, वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, इससे वो पास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक फिल्टर का काम करेगा, और किसके लिए, किस कैसा फिल्टर का काम करेगा, एक एनर्जी के फिल्टर का काम करेगा इन पॉजिटिव आयन के लिए। अब जब वो पॉजिटिव आयन जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, वो पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इस एनर्जी फिल्टर में से पास करेंगे, और पास करने के बाद वो सर्कुलर मोशन नहीं लेंगे, और वो कैसा मूव करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रन करेंगे अंटिल देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज वो किस में पहुंच जाएंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच जाएंगे जो मैंने कैसे अप्लाई कर रखी है, मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऐसे अप्लाई कर रखी है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अप्लाई कर रखी है, मैंने बिल्कुल ऐसे अप्लाई कर रखी है। अगर मैंने ऐसे अप्लाई कर रखी है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, बी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी किस में है, रेडियल के अंदर है, कितने एंगल पे है, थ्रू एन एंगल पाई बाई 3 रेडियन। अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितने में कन्वर्ट होगी, 60 डिग्री पे कन्वर्ट होगी। मींस वो पॉजिटिव आयन, ओनली वो पॉजिटिव आयन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट एस दे मूव स्ट्रेट, अदरवाइज दे रीच रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज टू बी अप्लाई थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। अब ये क्या करेगी, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉजिटिव आयन्स के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, एफ इज इक्वल टू कितना फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, दैट इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉजिटिव आयन, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्यों, क्योंकि मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, और चार्ज कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ऑलमोस्ट। तो हम साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स जब इस पॉजिटिव आयन बीम के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स इन पॉजिटिव आयन को क्या करवा देगा, प्रोवाइड क्या कराएगा, दे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स किसको, इस मोशन को, इसके मोशन को प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर स्ट्रेंथ पे, हर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर क्या दे रखी है, मैंने रेडियल दे रखी है,
तो इसको ये सर्कुलर मोशन में घुमा देगा। अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये मैं सपोज करूं आर वन ले लू रेडियस, उसमें मैंने जो आर लिया था तो क्योंकि ये अलग रेडियस है, तो यहां से दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्यू वी बी, और ये यहां से ये कट गया और एम वी इज इक्वल टू क्या आ गया, इस आर वन को मैं जब यहां पे ले आया क्यू बी आर वन। यहां से क्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि बी मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड अप्लाई किए, इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किए और यूनिफॉर्म अप्लाई किए, इसका मतलब इसकी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और आर वन इज द रेडियस, ये रेडियस तो मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही मैं फिक्स कर चुका हूं, तो यहां से ये वाला चीज क्या बन गई कॉन्स्टेंट बन गया, तो यहां से एम वी क्या आ गया कॉन्स्टेंट आ गया, और इसका मतलब मोमेंटम क्या आ गया मोमेंटम पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है मोमेंटम फिल्टर है, ये मोमेंटम फिल्टर है और ये एक एनर्जी फिल्टर है, इसका मतलब दोनों एक फिल्टर का काम करेंगे। और यहां पे मेरे पास एम वी स्क्वायर क्या आ चुकी है कॉन्स्टेंट आ चुकी है, इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या कंडीशन आ गई एम वी अगर कॉन्स्टेंट है तो मैं यहां से एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी लिख सकता हूं, और इस कॉन्स्टेंट को मैं क्या डाल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट डाल सकता हूं वन ओवर वी। यहां से मेरे को एक कंक्लूजन मिला, जिनका मास ज्यादा होगा उनकी जिसकी वेलोसिटी कम होगी, जिन आयन की वेलोसिटी कम होगी उनका मास ज्यादा होगा और जिनका वेलोसिटी ज्यादा होगी उनका मास क्या होगा कम होगा। इसका मतलब ये जो फिल्टर है जैसे ये पॉजिटिव आयन एंटर करेंगे तो ये क्या काम करेगा इन पॉजिटिव आयन को फिल्टर करने का काम करेगा। इसका मतलब मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरे पास तीन पॉजिटिव ये आयन है जिनका मास m1 है और मैं दो अलग इनकी सेपरेट कर देगा, ये मेरे पास और आयन है ये छोटे आयन है जिन ये इनको डिनोट कर रहा हूं मैं m2 से, इनको बड़े को मैं डिनोट कर रहा हूं m1 से, और सपोज करो ये और छोटे आयन होंगे, ये छोटे आयन जो ये हैं हमारे पास और जो छोटे आयन है वो है m3। मैं तीन टाइप के आयन्स ले रहा हूं, एक तो बड़े आयन है जिनको मैं डिनोट कर रहा हूं इससे, और एक मेरे पास है जिनका मास m1 है, एक ये आयन है जिनका मास m2 है और एक ये आयन है मेरे पास जिनका मास m3 है, ये m3 ये m2 और ये m1। मेरे को ये पता है जिनका मास ज्यादा होगा उनकी वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी तो वो क्या कम पाथ को ट्रेवल करेंगे, इसका मतलब वो कम रेडियस वाले पाथ को ट्रेवल करेंगे और सबसे ज्यादा इस सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे। अगर वो सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे तो ये वाले कलर के आयन सबसे पहले पहुंचेंगे, तो एम वन सबसे पहले पहुंचेंगे, इसके बाद कौन पहुंचेगा इसके बाद ग्रीन कलर वाले पहुंचेंगे, क्योंकि क्यों पहुंचेंगे क्योंकि इनका मास इन कंपैरिजन कम है, इसके बाद कौन पहुंचेगा इसके बाद ये वाले आयन पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये फिल्टर का काम करेगा, फिल्टर का काम कैसे करेगा वो मेरे को ये पता है, ये फैक्टर ये बता रहा है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, अगर मास कम होगा तो वो तेज वेलोसिटी से जाएंगे तो वो ज्यादा सर्कुलर पाथ ज्यादा बड़े पाथ को फॉलो करेंगे, बड़े पाथ को फॉलो करेंगे तो वो यहां पर देर टाइम पे पहुंचेंगे, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है कम है उसका मास ज्यादा होगा तो कम मास वाले
कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो डिफ्लेक्ट कम वेलोसिटी से करेंगे, तो वो कम सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, तो वो सबसे पहले यहां पर पहुंचेंगे। इसका मतलब ये आयंस को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। अब हमें ये पता है जितने भी ये आयंस हैं, मीन जितने भी आयंस हैं जिसका मास m1 में मान के चला हूं, तो मैं क्या निकाल लूंगा, एक रेशियो निकाल लूंगा e बाई m1। मीन यहां से जितने भी आयन आ रहे हैं, जितने भी आयन आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, मैं उनकी रेशियो निकाल ली, मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशियो को मैंने कैलकुलेट कर लिया सभी आयन की। जब तक मैंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो हमने क्या निकाल लिया, E बाई एम वन निकाल लिया। इसके बाद मैंने E बाई सभी एक रेशियो निकाल ली उन सब मास की, E बाई एम टू उन सब मास की निकाल ली। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया किसका, E बाई एम थ्री। इसका मतलब हम एक मास चार्ज अपॉन मास की क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम चार्ज अपॉन मास की रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या देखा है, ये वाले आयन आने लग रहे हैं। क्या इनकी वेलोसिटी सबकी इक्वल आ रही है? अगर E बाई एम जिनका मास सेम है, मीन्स द आयन हैविंग सेम E बाई एम वैल्यू, क्या उन जितने भी आयन इस रेशियो के आए हैं उनकी वेलोसिटी सेम है या कोई वेलोसिटी की रेंज है? अगर वेलोसिटी की रेंज है तो ये सारे के सारे आयन यहां से किसी एक रेंज के ऊपर जाएंगे और अपना क्या बना देंगे, एक रीजन बना देंगे, मींस एक पैटर्न बना देंगे। मीन इसका हम कंक्लूजन क्या निकल के आया, द आयन हैविंग द सेम E बाई एम वैल्यू हैविंग ऑल वेलोसिटी विद इन ए सर्टेन रेंज। अगर जितने भी ये आयन हैं, अगर उनकी कोई सर्टेन रेंज है तो वो एक सर्टेन रेंज के अंदर कहां पर फोकस करेंगे, इस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर फोकस करेंगे। कौन से फोकस करेंगे, इस मान लो सपोज करो इस रेंज के अंदर ये सारे के सारे मास जिस रेशियो वाले आयन जिनकी ये कोई रेंज थी वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे, फोकस कर जाएंगे इस रेंज के अंदर। इस रेंज वाले किस में फोकस कर जाएंगे, इस रेंज वाले सारे के सारे यहां से सपोज करो यहां से इस रेंज के अंदर फोकस कर जाएंगे। इसका मतलब हमें ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक मास का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, मींस जिनका मास जिन चार्ज का मास बड़ा है वो इस रेंज का एक स्पेक्ट्रम बना देंगे। इसका मतलब इस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर हमने दोनों चीजों को कंसंट्रेट किया है, एक तो वेलोसिटी, मींस जिनकी वेलोसिटी ज्यादा उनका मास कम, जिनकी वेलोसिटी कम उनका मास ज्यादा। इसका मतलब सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद हमने क्या कहा, एक सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी हमने फोकस किया है, और वो डायरेक्शन क्या कह रही है, अगर इस रेशियो की जो वैल्यू है वो जो वैल्यू है वो कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे क्यू अपॉन एम, यहां से Q अपॉन M की मैं जो वैल्यू निकाल सकता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगी, इस M को इसके नीचे लेके चला जाऊंगा, Q अपॉन M दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा, Q अपॉन M यहां से V अपॉन ये नीचे आ जाएंगे R Q B, Q को तो मैं इधर ले चुका हूं तो R B। इसका मतलब ये मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। अगर इसकी वैल्यू इन चार्ज की रेशियो किसके ऊपर डिपेंड कर रही, वी के ऊपर, अगर ये वेलोसिटी अगर इस इन इन सब आयन की अगर ये वेलोसिटी सेम है तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर फोकस करेगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अगर जितने भी इस वैल्यू के जो आयन्स आए हैं,
अगर उनके अंदर कोई वेलोसिटी रेंज है तो वो क्या एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। इसका मतलब इस केस में हमने वेलोसिटी को भी फोकस किया है और डायरेक्शन को भी फोकस किया है, इसलिए इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोला गया। लेकिन जो 1933 के अंदर बेनब्रिज ने स्पेक्ट्रोग्राफ को डेवलप किया था उसमें हमने सिर्फ किसको वेलोसिटी को फोकस किया था, मींस जो पॉजिटिव आयन वेलोसिटी सिलेक्टर में से निकल रहे थे, ओनली वो वही आयन्स निकल रहे थे जिनकी वेलोसिटी क्या थी, एक रेशियो को फॉलो कर रही थी और वो रेशियो कितनी थी, v = e/v। इस रेशियो को जो फॉलो कर रहे थे वही पॉजिटिव आयन वेलोसिटी सिलेक्टर से इमिट आउट कर रहे थे। इसका मतलब बेनब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ये एक एडवांस फॉर्म है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर सिर्फ वेलोसिटी को फोकस किया गया था, लेकिन यहां पर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों को फोकस किया गया है, इसलिए इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ बोला गया। तो ये हमारा बेनब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ था। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।